नमस्कार, मैं राजा बाजार वार्ड का नगर सेविका का पिताजी लक्ष्मी नारायण बाबूलाल बाकरिया, जो आज पांदरीबा मुत्री के पास बड़ मस्जिद बोल के जो बोली जाती है वो पांदरीबा मस्जिद, वहाँ पे के कई सालों से मुत्री थी, जो अपने व्यापारी वर्ग के लिए सब हिंदू भाई मुस्लिम जो भी अपने समाज के लोग आते उनके व्यापारियों के लिए वो मुत्री पहले से वहाँ पे थी। पर कई दिनों से हमने उसको नया प्रोसेस करके सब ये करे और कुछ 2015 में छून के आने के बाद जैसा हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों के बैठ के बीच में हमने मीटिंग बिठा के उसका मसला भी हल करने की कोशिश करे और मसला हल करके उसको अच्छे से करे। पर व्यापारी वर्ग को जिम्मेदारी देने के बाद भी व्यापारी वर्ग और प्रशासन ने, महानगर पालिका प्रशासन ने हमारे को कहीं भी 5 पैसे का सपोर्ट नहीं की और वो मुत्री के दिन पे दिन दुर्दशा बढ़ते गई। फिर भी हमने हमारे तरफ से जितना हो सका था उसको साफ सफाई का ये जरिया रखना, जिससे मस्जिद को तकलीफ नहीं होना, आने जाने वाले लोगों को तकलीफ नहीं होना, कोई बहू बेटी कोई माँ बहन बेटी को तकलीफ नहीं होना, ये सब जरिया रखेगा। पर हमारे तरफ से बहुत कोशिश करने के बाद भी महानगर पालिका प्रशासक ने हमें कहीं भी सपोर्ट नहीं करने की वजह से और वहाँ पे दिन दुर्गंधी बढ़ती गई, जिसका नज़रिया मस्जिद जो आज धर्म मुसलमान की हो या हिंदू की, अगर वहाँ मंदिर भी होता था तो आज वो मूत्री वहाँ रखना करिए। और हमने एक मूत्री नहीं निकाले, जाधव मंडी की भी जो दूसरी मूत्री है विमलनाथ मंदिर के पास थी, वो भी मूत्री हमने जो निकाले वहाँ पे भी हमने सुविधा हमने व्यापारियों के लिए करके दिए थे। पर महानगर पालिका प्रशासन ने हमारे को कहीं भी उसका सुविधा का करने के बाद साफ सफाई का कहीं भी बंदोबस्त नहीं करने की वजह से आज वो मूत्रियों के बेहाल होने की वजह से हमारे को आज वो धर्म को लोगों को जैसे हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म के लोगों को वहाँ तकलीफ हो रही थी, वहाँ के रहवासियों को बहुत बड़ी दुर्गंधी की तकलीफ हो रही थी जो 4 साल से तकलीफ बर्दाश्त कर रहे थे। तो वो आज हमने वहाँ से निकाल के महानगर पालिका को प्रशासक को बोलने के बाद पूरा निकाल के उसको साफ करा के दिए। और मेरे वार्ड के मुस्लिम भाई, हम जब कभी भी कुछ भी मसला होता है तो हम एक साथ हिंदू मुस्लिम बल के खड़े होकर हम वो मसले को सॉल्व करते, उसी प्रकार ये भी मसला मैंने एक प्रसार का सॉल्व करके लिया, नगर सेविका के माध्यम से मैंने मसला पूरा निकाल के वहाँ पे से उसको साफ करा के लिए और आने वाले समय में हम वहाँ मूत्री बिठाएंगे नहीं। ये हमारे लक्ष्मी पालन का सत्कार करने का मकसद ये है कि हमारे कम से कम 25-30 साल से मस्जिद के पास पेशाब खाना था, मूत्री जिसको बोलते पांदरीबा, तो वो मसला ऐसा था कि वो लोग मस्जिद पे आके पेशाब करते ऐसा होता था। तो हमने लच्छू पहलवान से रिक्वेस्ट करे थे, इलेक्शन मूवमेंट में भी बार बार भी करते थे, सारे मुस्लिम जितने भी मुस्लिम हैं सभी करते थे। तो लच्छू पहलवान ने अपनी कोशिशों से ताकत से इज्जत से प्यार से सब करके वो कल मूत्री हटाए, बुलडोजर से उड़ा दी गई परसों मूत्री और मस्जिद का एरिया साफ हुआ। उसके लिए हम लच्छू पहलवान के और इनकी इनको जिसने भी मदद किया उसके सबके शुक्रगुजार है, इनकी फैमिली के शुक्रगुजार है। हमारा मसला हल हुआ और उसकी वजह से हम इनका सत्कार कर रहे हैं यहाँ पे मस्जिद के पास। और आगे भी जो है तो हम लच्छू पहलवान से उम्मीद करते हैं कि जब भी हिंदू मुस्लिम हमेशा तनाव होता है इसमें हमारी मदद करे, हमारे आपस में भाईचारा बढ़ाए हिंदू मुस्लिम में, हम ये लच्छू पहलवान से उम्मीद रखते हैं। ओके। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।